अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैरियत से है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से है। आज हम आपके सामने मसालेदार मिर्ची की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत डिलीशियस एंड यमी यमी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची को अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 25 ग्राम ज़ीरा लिया है और 25 ग्राम है अखा धनिया, जिसे कहते हैं ये अखा धनिया है 25 ग्राम। और उसके बाद छोटे साइज़ के नींबू है, जो हम मिर्ची जब हम फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम ऊपर से इसको निचोड़ लेंगे। और अभी हम जो ज़ीरा और अखा धनिया है इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हमारा पैन अच्छे से गरम हो गया है, इसमें भी हम ऐड करेंगे ज़ीरा। और ज़ीरे को लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं। अगर डार्क हो गया तो ये जल जाएगा और कड़वा हो जाएगा। एकदम मीडियम आंच पे यहाँ पे हमारा ज़ीरा अच्छे से भुना गया है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद हम अखी धनिया को भी इसी तरह भुनेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए भुनना है सिलो पे। एक जाल ले लीजिए सूखा, और अभी हम इसमें ऐड करेंगे अखी धनिया और ज़ीरा। आप भी इसी तरह बनाइए, बहुत यमी यमी टेस्टी बनती है मिर्ची। हम किसी के साथ भी ले सकते हैं, रोटी के साथ, खिचड़ी, दाल चावल। और उसके बाद आप नमक अपने हिसाब से ऐड कीजिए। अगर आपका मसाला ज़्यादा है तो ज़्यादा नमक ऐड होगा, और कम है तो आप अपने हिसाब से कीजिए। और अभी हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला पीस आ गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हम मिर्ची को कट कर लेंगे, उसके अंदर मसाला डालेंगे अच्छा भर भर के। आप भी इसी तरह कीजिए। एक एक करके हम सारी मिर्ची में इसी तरह मसाला ऐड करेंगे। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा पैन अच्छे से गर्म हो गया है, अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑयल। और ऑयल को अच्छा गर्म होने के बाद स्लो फ्लेम पे रख दीजिए गैस। और इसमें भी ऐड करेंगे मिर्ची, और इस तरह से हम सारी मिर्ची तल देंगे। और थोड़ा सा मसाला तेल ऑयल में निकलता है, तो बाद में हम इसको छान के इसी मिर्ची के ऊपर मसाले को डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सारी मिर्ची मसाले वाली रेडी हो गई है। नींबू को ऊपर से निचोड़ के आप खा सकते हो। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।